सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मैं वेबसाइट बना सकता हूँ या मैं चैटबॉट बना सकता हूँ, और वो अपनी सीवी पेपर पे ले जाके दे गई, तो क्या बेवकूफ़ी की बात है कि नहीं है कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और पेपर पे आप अपनी सीवी ला के दे रहे हैं? तो पेपर पे भी होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर पे बनाना कोई गलत है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वहाँ तो पेपर पे ही सबमिट करना होता है आपको। लेकिन आपके पास जो है ना, क्या होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। देखो इलेक्ट्रिशियन होता है ना, जो इलेक्ट्रिशियन है देख के पहचान जाते हो ना कि ये इलेक्ट्रिशियन है, कैसे पता चलता है? टेस्टर लगा हुआ होता है उसकी जेब में। ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं उनकी जेब में टेस्टर लगा हुआ होता है, तो आप देखते ही समझ जाते हैं ये कौन है। डॉक्टर को भी देखते ही पहचान जाते हैं, उसके गले में स्टेथोस्कोप होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, या उसने कोई लैब कोट टाइप की कोई चीज़ पहनी हुई होती है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर को भी देख के ना पता चलना चाहिए कि ये सॉफ्टवेयर डेवलपर है, सही है? आपकी गाड़ी को देख के, आपके हुलिये को देख के, आपके कंप्यूटर को देख के, आपके बैग को देख के लगना चाहिए कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। आप दूर से आते हुए नज़र आए ना, बंदा देख के समझ जाए सॉफ्टवेयर का बंदा। मार्केटिंग है ना ये भी, ऑल प्रेस गुड प्रेस, ये अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है के, और उर्दू में इसको कहते हैं कि बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो कोई भी प्रेस जो है ना वो ख़राब नहीं है। तो आपको बहुत सारे लोग ना, आप में से देखो, अपनी मार्केटिंग करने में ना बिल्कुल बेगैरत बनना चाहिए, मतलब बेगैरत नहीं, उस सेंस में बेशरम। जो आप शाये हो जाते हैं ना, शर्मा जाते हैं कि यार मैं कैसे बोलूँ, पता नहीं लोग, मैंने एक वेबसाइट बनाई है, पता नहीं मैं किसी को दिखाऊंगा तो लोग क्या बोलेंगे। नहीं 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 भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको बिल्कुल बेशरम होके अपने बारे में बताना है, सोशल मीडिया पे बताना है, अपने रिश्तेदारों में बताना है, अपने दोस्तों में बताना है, आपको ऐलान करना पड़ेगा, वरना जंगल में मोर नाचा किसने देगा, ठीक है? तो जो भी चीज़ बनाएं, एक तो पब्लिकली उसको पोस्ट करें, और दूसरा ये कि जो है ना, छोटी से छोटी प्रोग्रेस जो है आपकी वो सब लोगों को बताएं, सब लोगों से शेयर करें। अच्छा तो भाई हमने ये तो कर लिया, और हम ज़रा कोड ओपन कर लेते हैं लास्ट क्लास का, और देखते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ाई करनी है। अच्छा, रिपोजिटरी तो अभी तक हमने बनाई नहीं है ना इस क्लास के कोड की। लास्ट क्लास में हमने कोड क्या लिखा था, किसी को याद है? माई फर्स्ट वेबसाइट, ये वाला लिखा था। एक मिनट, github.com खोलते हैं, भूल गया यार, github.com ज़रा खोल के देखते हैं। ये वाला बनाया था, हेलो वर्ल्ड जावास्क्रिप्ट। अच्छा, ये जो रिपोजिटरी है ना, इसका मैं नाम चेंज कर रहा हूँ ताकि ये पता चले कि आपका वाला है। ये जो एक दूसरी रिपोजिटरी है ना, इसी के सेम नाम कर रहा हूँ मैं इसको, हेलो वर्ल्ड जावास्क्रिप्ट। अच्छा, फाइल का नाम हमने लिखा जावास्क्रिप्ट था, लेकिन जावास्क्रिप्ट हमने शुरू नहीं की थी, सीएसएस पढ़ा था लास्ट, है ना? जावास्क्रिप्ट हम आज से शुरू करने वाले हैं। तो खैर, पहले तो मैं इसका रिपोजिटरी का नाम चेंज कर दूँ ना, वो नाम कर दूँ कि जो 2B कर दिया मैंने, ताकि पता चले कि यार इस क्लास का कोड है, वरना मैं अगली क्लास में आएगा दोबारा फिर ढूंढ रहा हूँ पता चले। और इसका मैं एक नया क्लोन भी ले लेता हूँ। नया क्लोन मैं इसका कहाँ ले लेता हूँ, डेस्कटॉप पे क्लास के अंदर, और ये आ गया जी, यहाँ पे मैं इसका नया क्लोन ले लेता हूँ। क्लोन लेना तो सबको आ गया है ना, ठीक है? गिटहब में किसी का कोई इशू तो नहीं है? लास्ट क्लास में जितनी चीज़ें हमने पढ़ी थी, हमने HTML थोड़ा सा ओवरव्यू लिया है पहली क्लास में, और CSS थोड़ी सी हमने पढ़ ली है। आज इंशाल्लाह हम JavaScript शुरू करेंगे। अच्छा, HTML और CSS वैसे तो पढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो मैंने क्यों पढ़ाया थोड़ा सा, वैसे हमें डायरेक्ट JavaScript से शुरू करना था,
ठीक है, बाय द वे जावास्क्रिप्ट भी एजम्पशन यही थी कि आपको आती है ज़्यादातर लोगों को, तो जावास्क्रिप्ट भी हम तेज़ी से पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उसकी वो डिटेल्स पढ़ें जो आमतौर पर नहीं पढ़ाई जाती। तो बेसिक्स मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको थोड़ी बहुत आती है, ठीक है। और बाय द वे इस क्लास में हम ये एज्यूम करके चलेंगे क्योंकि ये सीनियर क्लास है, ठीक है ना, ये हम बच्चे तो नहीं हैं, आप में से ज़्यादातर लोग माशाल्लाह टीनेजर से क्रॉस हो चुके हैं ऑलमोस्ट अब। तो सीनियर क्लासेस जो होती है ना पूरी दुनिया में, उसमें क्या होता है कि टीचर ना बुक खोल के नहीं बैठता। ये बच्चों में होता है कि भाई क्लास में टीचर आया कहते हैं प्लीज़ ओपन योर बुक, और टीचर वो लाइन बाय लाइन उसको पढ़ के सुनाता है या बच्चे को कहता है आप रीड करें फिर उसको एक्सप्लेन करता है। दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, क्योंकि सीनियर क्लासेस में ना ऐसा नहीं होता है आमतौर पर। आप अब तो लेक्चर सारे पब्लिक हो गए हैं, हॉवर्ड के, MIT के, मैसाचुसेट्स के, इन सब ने अपने जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो लेक्चर होंगे ना वो सब पब्लिक कर दिए हैं उन्होंने, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोर्सेरा वगैरह पे डाल दिए हैं, किसी ने यूट्यूब पे डाल दिए हैं, किसी की MIT ने अपनी वेबसाइट पूरी बनाई हुई है। तो अभी मैं उनका स्प्रिंग देख रहा था, वो AI का जो डेटा स्ट्रक्चर का जो स्प्रिंग वाला लेक्चर है वो मैं अभी देख रहा था रिसेंटली। तो इन सब यूनिवर्सिटीज़ के मैंने लेक्चर देखे हैं ऑनलाइन। इसमें ये होता है आमतौर पे कि जब स्टूडेंट आता है क्लास में तो टीचर डायरेक्ट जाता है ब्लैक बोर्ड पे, एक टाइटल लिखता है कि मिसाल के तौर पे आज हम पढ़ने लगे हैं ट्री स्ट्रक्चर, और वो ट्री स्ट्रक्चर पढ़ाना शुरू करता है। अच्छा, जब वो पढ़ा लेता है पूरा 45 मिनट का लेक्चर जब पूरा कर लेता है वो, तो उसके बाद वो क्या कहता है कि अब अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक हम फला चीज़ पढ़ेंगे। अच्छा, और ये टॉपिक ना आपकी बुक में चैप्टर नंबर 13 में और चैप्टर नंबर 14 में डिस्कस हुआ है। फिर वो साथ में एक बुक का और भी नाम बताता है कि मिस्टर फला फला रॉबर्ट है, उनकी एक बुक है, वो आपकी यूनिवर्सिटी के ड्राइव पे डली हुई है, उसका चैप्टर नंबर 3 भी पढ़ के आना, ये बोल के वो चला जाता है। अब अगली क्लास में जब आता है ना तो उसको पता है कि चैप्टर नंबर 13 और 14 पढ़ लिया बच्चे ने, और मिस्टर रॉबर्ट की जो बुक है वो चैप्टर नंबर 3 वो भी पढ़ गया है। अब वो उसके आगे की बात शुरू करता है, आगे लिखता है टॉपिक का नाम कि आज एरे पढ़ेंगे हम, या आज फलां स्ट्रक्चर हीप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और फिर वो बताता है, और उस बुक का रेफरेंस भी साथ साथ देता जाता है कि मिस्टर रॉबर्ट ने जो चैप्टर 3 में बात की है वो असल में ऐसे नहीं है बात, अब जो डिस्कवर हुआ है अब ऐसे होती है वो चीज़, ठीक है। उसके आगे की बात करता है कि ज़ाहिर है साइंस तो इवॉल्व हो रही है ना कंटिन्यूसली, तो उसके आगे की बात करता है। तो हम भी इस क्लास में ये अज्यूम करेंगे कि आप बुक पहले से पढ़ कर आए हैं। हम यहाँ पे आके ना देखो, अगर बुक आप पहले से पढ़ गए हैं उससे बेनिफिट क्या क्या होगा, ये क्लास हो जाएगी टू वे, ये वन वे नहीं रहेगी। अच्छा, मुझे शदीद कोफ्त होती है ऐसी क्लास में पढ़ाने से कि जिसमें सिर्फ मैं बोले जा रहा हूँ बाकी सब लोग खामोश हैं, मुझे मज़ा नहीं आता, बेवकूफ़ी की बात है, ठीक है। क्लास हमेशा जो एक हेल्दी क्लास होती है ना उसमें टू वे कम्युनिकेशन होती है, सामने से ज़्यादा बोल रहे होते हैं स्टूडेंट और यहाँ से डेटा कम जा रहा होता है, ठीक है। अच्छा, वो क्या बोल रहे होते हैं, आप सवालात कर रहे होते हैं। अच्छा, मेरा ये तरीका है पढ़ाने का कि मैं जब टॉपिक शुरू करता हूँ तो मैं स्टूडेंट से ओपिनियन भी लेता हूँ कि यार आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए। या जो बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको जावास्क्रिप्ट पहले से आती है, भी आपने सब लोगों की CV जो बनाई है सब लोगों ने वो आपने देखी, ये आप देखें, मतलब पहले से आती है लोगों को चीज़ें, ठीक है, जावास्क्रिप्ट आती होगी मोस्ट प्रॉब्ली बहुत सारे लोगों को पहले से आती होगी, ठीक है। ये सब लोग लिंक भी सारे लाइव हैं, कोई भी आप में से ये खोल के लिंक देख भी सकता है, ठीक है। तो मेरा ये तरीका है कि जब मैं कोई टॉपिक स्टार्ट करता हूँ तो उसमें स्टूडेंट का ओपिनियन भी लेता हूँ, ब्रेन स्ट्रोमिंग भी करता हूँ क्लास में, ब्रेन स्ट्रोमिंग के सवालात होते हैं जिससे ताकि आपके अगर आपके दरमियान कोई काबिल बच्चा बैठा हुआ है तो उसकी काबिलियत निकल के सामने आए ना यार, क्योंकि मैं सिर्फ बोलता रहूँगा और मुझे फीडबैक नहीं मिलेगा कि बच्चे को समझ में आ रहा है स्टूडेंट को या नहीं आ रहा, या अगर कोई काबिल बच्चा बैठा हुआ है वो बोर हो रहा है अगर, तो मुझे कैसे पता चलेगा। ये जब तक क्लास टू वे नहीं होगी ना, जब तक ये मसले हल नहीं होंगे, ठीक है। तो मुझे आपसे एक चीज़ रिक्वायर्ड है कि आप मेहनत करें और बुक कोशिश करें पहले से पढ़ कर आएँ, और कोई भी सवाल हो आपका तो उसको पूछने में आपको हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं ये गारंटी कर रहा हूँ कि इस क्लास में अगर आप कोई भी सवाल पूछेंगे तो कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा मुझ समेत, ठीक है। जो मजाक उड़ाएगा उस पर फाइन होगा। अच्छा, CD करके मैं इसमें चला जाता हूँ क्लास में, कहाँ पे मैंने क्लोन ले लिया, हाँ ये मैंने क्लोन ले लिया ना,
अच्छा, इससे पहले भी हमने कोड लिखा था ना, कौन सा, माई फर्स्ट वेबसाइट, ये वाला लिखा था? अच्छा नहीं, हमने और कोई कोड नहीं लिखा, इसी इसी कोड में ही हमने HTML भी पढ़ा था पूरा, और इसी कोड में CSS भी, ऐसा ही है? हाँ, तो बस ठीक है। अच्छा, तो मैं एक फोल्डर बना देता हूँ इसके अंदर, मैंने कहा वन और हेलो वर्ल्ड HTML एंड CSS, ठीक है। मैं ये फोल्डर बना के ये फाइल इसमें डाल देता हूँ, करीब से दिखा देता हूँ ताकि आपको पता भी चल जाए क्या हो रहा है यहाँ पे। अब ये मैंने एक रिपोजिटरी बना दी है, इसमें पहला फोल्डर क्या था? हेलो वर्ल्ड HTML एंड CSS, ये पहला इसके अंदर मैंने फोल्डर बना दिया। अब मैं लाइन से इसमें सारे फोल्डर बनाता जाऊँगा, और ये कोड जो भी मैं क्लास में लिखूँगा वो सारा GitHub में कहाँ पे पुश हो जाएगा? ये मेरी प्रोफाइल में आप जाएंगे, ठीक है, ये मेरी प्रोफाइल में रिपोजिटरीज के अंदर, और यहाँ पे ये 2B के नाम से, ये अभी मैं कोड पुश करूँगा ना तो टॉप पे आ जाएगा, ये जिसमें आखिरी एक्टिविटी हुई भी होती है लेटेस्ट, वो टॉप पे आ रहा होता है, तो ये अभी मैं कोड पुश करूँगा तो ये टॉप पे आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये कि क्लास लेके अगर आप जाके घर पे ओपन करते हैं तो टॉप पे ही आ रहा होगा, अदरवाइज़ ये आपकी क्लास का नाम है सैलानी AI चैटबॉट क्लास और बैच 2B, आप सेक्शन बी हैं इसलिए 2B लिखा हुआ है, और ए का जो है वो ये रहा 2A, ठीक है, दो क्लासेस चल रही हैं हमारे पास। अच्छा, तो कोड आप सब लोगों को एक्सेस इस तरह हो जाएगा। अच्छा, अब मैं एक सेकंड फोल्डर इसमें बना देता हूँ, इसका नाम रखता हूँ 2.hello world javascript, ठीक है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट जो हम पढ़ेंगे ना जी दोस्त, फ्लैक्स बॉक्स, चलो फ्लैक्स बॉक्स बता देता हूँ, और बोलो, सही है, फ्लैक्स बॉक्स पढ़ा देता हूँ। टू डॉट क्या है? मैनी चैट के नाम से एक प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल सही है। हाँ, असल में देखो मैनी चैट जो है ना, वो पता है क्या चीज़ है, अब बीच में तुमने सवाल पूछा इसलिए जवाब दे रहा हूँ, वैसे तो ये टॉपिक काफ़ी आगे गया हमारा। अभी ना चैटबॉट हमने सिर्फ इंट्रो देखा है, सिर्फ हमने स्पीच में देखा है, सही है, जो क्योंकि जो मैं ओरिएंटेशन क्लास में बात कर रहा हूँ, मैं टेक्निकल बात तो जाहिर है नहीं करूँगा, वो समझ ही नहीं आएगी आपको, तो अभी मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया है कि चैटबॉट होता क्या है, ठीक है। अभी आपको ये बात नहीं पता है कि जब हम चैटबॉट बनाते हैं तो उसमें हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, या किस तरह के चैटबॉट मार्केट में लोगों को चाहिए अभी, या क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ चैटबॉट में हो सकती हैं, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ना, तो फिर आपको चीज़ें ऐसा ऐसा क्लियर होंगी। अच्छा, तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि मैनी चैट जो है ना वो बहुत बेसिक प्लेटफॉर्म है, दैट इज़ वेरी वेरी बेसिक प्लेटफॉर्म, ठीक है। मिसाल के तौर पर जो काम आप जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं, एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप फेसबुक जैसी एप्लीकेशन पूरी बना सकते हैं। अच्छा, प्रोग्रामिंग किसी हद तक एक्सेल की शीट में भी हो जाती है, इफ एल्स तो उसमें भी लगता है, लेकिन एक्सेल की शीट में जो प्रोग्रामिंग है ना, आप उससे फेसबुक जैसी ऐप नहीं बना सकते, ठीक है। तो मैनी चैट असल में बेसिक है, ये प्रोग्रामिंग का एक्सेल है, ठीक है, बेसिक चीज़ें उसमें हो जाती हैं, कि किसी ने आपको हेलो बोला, सामने से आप हाय बोलें, शॉपिंग वगैरह छोटी मोटी चैट बॉट आप उसमें बना सकते हैं, लेकिन जब एडवांस चीज़ें आती हैं ना तो मैनी चैट वहाँ पर फेल हो जाता है, ठीक है। मैनी चैट जो प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी डम प्लेटफॉर्म है। अच्छा, जिन लोगों ने सिर्फ मैनी चैट यूज़ किया है उनको वो बहुत अच्छा लगेगा, उनको वो बहुत अच्छा लगेगा, जाहिर है, क्योंकि वो है तो चैटबॉट अल्टीमेटली, और चैटबॉट फैसिनेटिंग चीज़ है यार, कि आप बोल रहे हैं कंप्यूटर जवाब दे रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है, तो वो उनको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जैसे ही वो एडवांस प्लेटफॉर्म देख लेंगे ना, डायलॉग फ्लो और अलेक्सा स्किल किट भी काफ़ी डंप है, लेकिन अलेक्सा स्किल किट सीखना हमारी मजबूरी इसलिए कि अलेक्सा पे किसी और से बनती नहीं है, उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि अलेक्सा की ऐप जो बनेगी ना वो अलेक्सा स्किल किट पे ही बनेगी, अलेक्सा स्किल किट भी काफ़ी डंप है और काफ़ी बग्स हैं उसके अंदर। अच्छा, बग्स डायलॉग फ्लो में भी हैं, बग्स मैनी चैट में, क्योंकि जाहिर है नई टेक्नोलॉजी तो बग्स तो होंगे इसमें, चैटबॉट टेक्नोलॉजी इज़ नॉट परफेक्टेड येट, लेकिन वो आने वाले वक्तों में जाहिर है डिमांड बढ़ती जा रही है, तो गूगल भी लगा हुआ है। मैं जब शुरू किया था मैंने सीखना, तो उस वक्त जो डायलॉग फ्लो था वो गूगल के पास नहीं था, वो API.AI नाम था उसका, और कोई यूनिवर्सिटी के दो चार लड़के थे, उन्होंने बनाया हुआ था, तो वो चला रहे थे उसको, और उस वक्त ये वो भी नहीं था, इसमें क्लाउड भी नहीं था,
क्लाउड आपको हरिको पर डिप्लॉय करना पड़ता, अब तो वो अंदर ही उन्होंने क्लाउड वगैरह सब कुछ दे दिया, गूगल क्लाउड से कस्टमर उसको कनेक्ट कर दिया उन्होंने। तो उस वक्त से मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, उस वक्त लोगों को पता भी नहीं होता था कि चैटबॉट है क्या चीज़, ठीक है। मैं मेरे भी क्लाइंट ना जब आते थे कुछ और बनवाने उनको मैं जब बताता था ना कि ऐसे ऐसे भी हो सकता है, तो फिर उनको वो चैटबॉट बना के देता था, ठीक है। तो ये कर रहा था मैं उसमें, क्योंकि पता ही नहीं था किसी को। अच्छा, तो फिर बाद में जब गूगल क्या करता है, गूगल देखता है यार जो सबसे बेस्ट कंपनी है ना मार्केट में, चैटबॉट में गूगल की कोई प्रोडक्ट नहीं थी। जैसे ही डिमांड आना शुरू हुई, गूगल ने देखा बेस्ट कंपनी कौन सी है, API.AI, उसने बोला खरीदो भाई, खरीद लिया। खरीद के उसका नाम चेंज किया, उसका V1 लॉन्च किया अपने पास से, ठीक है। वो बीटा में था क्योंकि वो मेच्योर नहीं था उसका API.AI, वो बच्चों ने बनाया था, यूनिवर्सिटी के लड़के थे वो, उन्होंने इतनी मेहनत नहीं की हुई थी उसके ऊपर। तो इन्होंने 1.0 उसका बनाया, गूगल ने टाइम लगाया उसके ऊपर, मेहनत लगाई, उसको सेट किया। फिर उसके बाद वो V2 पे काम शुरू किया। अभी जो है V2 इसका स्टेबल वर्जन है, V3 भी आ चुका है, लेकिन V3 स्टेबल नहीं है। हम यहाँ पे V2 पढ़ेंगे जो स्टेबल है, जिस पे मैं क्लाइंट्स को प्रोजेक्ट बना के दे रहा हूँ। V3 पे भी मैं सीख रहा हूँ खुद भी वो, लेकिन V3 में बहुत सारे मसले हैं, ठीक है, डिज़ाइन लेवल के मसले हैं। पता नहीं वो सॉल्व होंगे या नहीं होंगे, अगर नहीं होंगे तो V2 इसका आखिरी वर्जन होगा डायलॉग फ्लो का, ठीक है। एक फ्रेमवर्क और भी आ रहा है पीछे से, रासा फ्रेमवर्क, RASA, रासा फ्रेमवर्क, ठीक है। वो पाइथन बेस्ड है, लेकिन उसका भी अभी कोई पता नहीं है क्यों, उसकी सपोर्ट का इशू है। ओपन सोर्स कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी में कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। पिछले दिनों पाइथन का मसला चला, पाइथन में भी मसले हैं ना कि 2.7 चलेगा या 3.9 चलेगा, ये मसले हैं उनके अपने, तो वो मसले भी अभी तक मेच्योर नहीं हुए हैं। तो बात अल्टीमेटली ये है कि जितनी भी टेक्नोलॉजी मार्केट में मौजूद है ना चैटबॉट की, कोई भी इस वक्त स्टेबल नहीं है। लेकिन हम इस क्लास में अगर कॉन्सेप्ट समझ जाए ना भाई, वेब डेवलपमेंट में कॉन्सेप्ट किया गया, एक पेज होगा, उसमें एक फॉर्म होगा, फिल करोगे, सबमिट करोगे, डायलॉग बॉक्स आएगा, इंटरनेट पर रिक्वेस्ट जाएगी, डेटाबेस में डेटा सेव होगा, यही है ना बेसिक कॉन्सेप्ट, ये तो सेम रहेगा, ये थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो ये फ्रेमवर्क तो आते और जाते रहते हैं, अल्लाह करे V3 सही कर लें थोड़ा। तो उसकी कम्युनिटी है, V2 में भी मसले हैं। V2 में मसले क्या आते हैं, उसकी लाइब्रेरी जो इन्होंने लिखी थी ना गूगल ने, वो सही नहीं है लाइब्रेरी, उसकी डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं है। सर लाइब्रेरी तो सही है, तो मैंने थोड़ा सा अपनी डॉक्यूमेंटेशन उसकी बना ली, तो मैं वो शेयर कर दूंगा आपसे। कौन सा फंक्शन क्या काम करता है वो लिखा हुआ ही नहीं है उनके डॉक्यूमेंट में बहुत सारे हिडन फीचर्स हैं जो पता ही नहीं है लोगों को कि यार ये भी है इसके अंदर, क्योंकि डॉक्यूमेंट में वो बात ही नहीं लिखी थी। मैंने उनके गिटहब में जाके उनको कॉमेंट किया, गिटहब तो सोशल मीडिया डेवलपर्स का, मैंने जाके कॉमेंट किया कि यार आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन को सही क्यों नहीं करते, तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया मैं इस वक्त डायलॉग फ्लो की रिपोजिटरी में जाके कोई कॉमेंट नहीं कर सकता, मुझे उन्होंने ब्लॉक कर दिया, ठीक है। मेरा कमेंट भी शायद रिमूव कर दिया था। तो कहने का मकसद ये है कि मैनीचैट जो है वो एक प्रोडक्ट है, नीश प्रोडक्ट है, बेसिक प्रोडक्ट है। अच्छा, मैनीचैट के जैसी एक प्रोडक्ट हम भी लॉन्च करने वाले हैं, उसका नाम है conversation.io, के से कन्वर्जेशन है, सही है। तो मैनीचैट एक हम अपना भी बना रहे हैं, डायलॉग फ्लो पे ही है, बैकएंड उसका डायलॉग फ्लो ही है। वेल, उसमें टाइम है, अभी शायद 2-4 महीने 5 महीने लगे उसको लॉन्च करने में अभी। तो जो बेसिक टेक्नोलॉजी है ना, जो अंदर नीचे चल रही है, जो इंजन है जो उसका, हम वो सीखेंगे यहाँ। फिर मैनीचैट के जैसे प्लेटफॉर्म आप खुद बना लोगे, वो इतना मसला नहीं है। अच्छा, तो हम फ्लेक्सबॉक्स पढ़ लेते हैं पहले थोड़ा सा। अच्छा, फ्लेक्सबॉक्स में उनको मैंने क्या पढ़ाया था, मैं ये भी भूल गया हूँ। वेल, छोड़ो, नए सिरे से सोचते हैं फ्लेक्सबॉक्स में क्या होता है। देखो, बहुत सारे लोगों ने ना खोलते हैं ना CV जो सबने बनाया है, इसमें मसला क्या है, मैं कोई परफेक्ट एग्जांपल ये वाला। अब देखो, इस CV के अंदर मसला क्या है, जब मैं इसको छोटा करता हूँ ना, ये क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो फ्लेक्स बॉक्स इज अ टेक्निक दैट अलाउ यू, अच्छा ये बॉक्स जो है ना, फ्लेक्स, देखो नाम में आधी कहानी छुपी हुई होती है। ये बॉक्स का मतलब क्या है, HTML का हर एलिमेंट, हर मार्कअप एक बॉक्स है, सही है ना। कैसे पता चलेगा, ये छोटा सा टूल है, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके ये आता है, राइट क्लिक करोगे ना, इंस्पेक्ट एलिमेंट करोगे तो ये बॉक्स खुलता है, साइड वाला बार, ये बार क्या कहलाता है, ये कहलाता है डेवलपर टूल्स। जो भी डेवलपर होता है, वेब डेवलपर, उसके लिए ये कुछ टूल्स गूगल क्रोम ने पहले से बना के दिए हैं, तो ये वो टूल्स हैं। तो इसके अंदर ये छोटा सा एक है, इसका नाम क्या है, सेलेक्ट एन एलिमेंट इसका नाम है, सही है। क्लिक किया मैंने, देखो ब्लू हो गया, ये ब्लू करने के बाद मैं जहाँ पे भी जाऊँगा ना,
जिस एलिमेंट पे हाथ रखूंगा तो उस एलिमेंट पे कितना मार्जिन, कितनी पैडिंग लगी हुई है, वो एलिमेंट कहाँ से लेके कहाँ तक है ये मुझे बताएगा। देखो इमेज दिखने में गोल है, विजिबल तो वो गोल है, लेकिन असल में वो इमेज क्या है, स्क्वायर है। तो HTML के अंदर हर चीज़ स्क्वायर बॉक्स है। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई चीज़ ऐसी हो जो स्क्वायर ना हो, ठीक है, चाहे वो इनपुट बॉक्स हो, चाहे वो कोई बटन हो, चाहे वो कोई टेक्स्ट हो। देखो टेक्स्ट का भी स्क्वायर बॉक्स है, ये देखो टेक्स्ट जो है ना स्क्वायर बॉक्स है। तो हर चीज़ एक बॉक्स है। तो इसमें जो फ्लेक्स बॉक्स के अंदर ये जो बॉक्स का जिक्र है, ये इसी बॉक्स का जिक्र है। HTML के जो डिब्बे हैं सारे, HTML के जो एलिमेंट्स हैं सारे। अच्छा, अब ये बॉक्स जो है ना वो बड़े ढीठ हैं। मिसाल के तौर पे H1 है। अब H1 आपने जिस लाइन में लिख दिया उस लाइन में किसी दूसरे को वो नहीं आने देता, क्योंकि H1 ब्लॉक एलिमेंट है। एलिमेंट दो तरह के होते हैं, एक ब्लॉक होता है, एक इनलाइन होता है। इनलाइन ये होता है कि आप लगाते जाओगे ना वो एक दूसरे के बराबर बराबर में चिपकते जाएंगे, जैसे इमेजेस हैं, इमेजेस एक दूसरे के बराबर में आती चली जाती है। लेकिन कुछ होते हैं ब्लॉक, जैसे पैराग्राफ, जैसे H1। अगर ये आपने लगा दिया H1 तो अपनी लाइन में वो किसी और को आने नहीं देगा। अब मिसाल के तौर पर आपको ये करना है कि भाई मैं कुछ लेआउट्स खोल लेता हूँ, ये सारे बंद कर देता हूँ। आपको ये लेआउट बनाना है जो GitHub ने बनाया था। ये मोस्ट प्रॉब्ली H1 में लिखा हुआ है, लेकिन इसके सामने दूसरी चीज़ें भी हैं। आपको ये लेआउट बनाना है, तो इस लेआउट को बनाने का बेस्ट तरीका क्या है? किसी चीज़ को सेंटर में करना हो, किसी चीज़ को राइट या लेफ्ट करना हो, उसका बेस्ट तरीका क्या है? उसका एक तो बेस्ट तरीका ये है कि मार्जिन दो तरफ दे दें, उसको दरमियान में ऑटो वाटो कर दें मार्जिन, या फ्लोट श्लोट लगाएं, फ्लोट लेफ्ट फ्लोट राइट। लेकिन ये तरीके अब पुराने हो चुके हैं। इस तरीके से लेआउट अब कोई भी नहीं बनाता मार्केट में, ठीक है। लेआउट बनाने के दो मोस्ट पॉपुलर तरीके हैं, जिसमें से नंबर एक है फ्लेक्स बॉक्स, नंबर दो है ग्रिड। फ्लेक्स बॉक्स थोड़ा पुराना है, ग्रिड बिल्कुल नया है, ठीक है। हम फ्लेक्स बॉक्स पढ़ रहे हैं, रीज़न फ्लेक्स बॉक्स बहुत पॉपुलर है, नया तो नहीं है अभी, ग्रिड सबसे नया है। लेकिन ग्रिड में बहुत सारे लोग ना खुश नहीं है। कुछ लोग कह रहे नहीं यार फ्लेक्स बॉक्स ही सही था, कुछ लोग कह रहे नहीं यार ग्रिड जो है ये ज़्यादा सही है। तो आवाम डिवाइडेड है, लेकिन फ्लेक्स बॉक्स के बारे में सब लोग मुत्तफिक थे जब ये आया था, और अभी भी हैं कि नहीं यार फ्लेक्स बॉक्स में दम है। अच्छा, तो इसलिए हम फ्लेक्स बॉक्स पढ़ेंगे। इंटरनेट पे इसकी सपोर्ट भी अच्छी खासी है, इसकी बुक्स मौजूद हैं, इसके आर्टिकल्स मौजूद हैं, इसकी सपोर्ट मौजूद है, ठीक है। आप इजीली आपको डॉक्यूमेंटेशंस मिल जाती हैं इसकी, आप आसानी से इंप्लीमेंट कर लेते हैं। और दूसरा ये कि हमारा वेब डेवलपमेंट का तो ये कोर्स नहीं है, तो हमारा ज़्यादा फोकस इस पे नहीं है। हम तो वो चीज़ हम पढ़ेंगे जिसमें ज़्यादा सर का दर्द नहीं है, सीधा सीधा आइटम है, सामने डॉक्यूमेंट है, देखो लगा दो चल जाए, ना चले तो स्टैक ओवरफ्लो पे इंटरनेट पे हेल्प मिल जाए। हम तो इसलिए हम फ्लेक्स बॉक्स यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा, तो फ्लेक्स बॉक्स क्या करता है? ये लेआउट बनाने की एक अप्रोच है, लेआउट बनाने का एक तरीका है। अच्छा, जब ये नया नया आया था तो उस वक्त ये CSS का पार्ट नहीं था। 2017 में इसको CSS का पार्ट बनाया गया, उससे पहले ये एज अ थर्ड पार्टी लाइब्रेरी होता था, जैसे बूटस्ट्रैप है, ठीक है। मतलब इमेजिन करो बूटस्ट्रैप इतना पॉपुलर है, लेकिन अभी तक उसको CSS का पार्ट नहीं बनाया गया। लेकिन ये जो था इसमें इतना दम था कि ये किसी बंदे ने लिखा, किसी बंदे ने प्रपोज़ किया, और थोड़े दिनों के बाद शायद 2012 में प्रपोज़ किया था, तो 6-7 साल के बाद या 5 साल बाद 2017 में इसको CSS का पार्ट बना दिया गया। तो अभी आपको फ्लेक्स बॉक्स इस्तेमाल करने के लिए किसी लाइब्रेरी को इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, CSS के अंदर ये बिल्ट इन हो चुका है। अच्छा, अब फ्लेक्स बॉक्स करता क्या है? आपको लेआउट बनाने में हेल्प करता है। लेआउट क्या चीज़ होता है, लेआउट देख लेते हैं। मैंने गूगल पे जाके लिखा लेआउट, वेबसाइट लेआउट लिख देता हूँ टू बी मोर एक्यूरेट। दिस इज व्हाट वी कॉल अ लेआउट। एक टिपिकल वेबसाइट का जो लेआउट होता है वो कुछ इस तरह का भी हो सकता है, और भी मुख्तलिफ लेआउट है, कुछ इस तरह का भी हो सकता है। ये लेआउट बनाने के लिए आपको, अगर आप फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करते हैं तो काफ़ी आसानी रहती है, ठीक है। कुछ एक दो और लेआउट देख लेते हैं। देखो एक ये भी लेआउट है। इस लेआउट में क्या है, ऊपर हेडर है, फिर बीच में एक बड़ा सा बैनर है, और उसके नीचे ना 3-4 डब्बे लगे हुए हैं, फिर फूटर लगा हुआ है, ठीक है। 2-4 और हम देखने की कोशिश करते हैं।
ये देखो, जब हम कोई वेबसाइट बना रहे होते हैं ना, तो हम इस तरह से इसका क्या बनाते हैं, इसको कहते हैं वायर फ्रेम। ठीक है, वायर फ्रेम मतलब पेंसिल से ड्रॉ किया हुआ, कह रहे इस तरह का कुछ होगा, दिस इज कॉल्ड वायर फ्रेम। तो जो भी लेआउट मतलब जो बनाना होता है हमें, तो हम पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वायर फ्रेम कहलाता है। फिर उसी लेआउट को कलर शलर दे के ना प्रॉपर करके बनाते हैं, इस तरह करके बनाते हैं जब, तो ये क्या कहलाता है, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। ठीक है, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। तो लेआउट जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, पेंसिल ड्राइंग होगी तो उसको वायर फ्रेम बोलेंगे, लेकिन जैसे हम अगर वेब डेवलपर हैं तो हमें क्लाइंट ना ये देता है डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। इसमें क्या होता है, कलर्स भी होते हैं, साइज वाइज भी प्रॉपर होता है। वायर फ्रेम में बस हाथ से ड्रॉ हुआ होता है, उसमें साइज वाइज एक्यूरेट नहीं होता, एक अंदाज़ा होता है वो असल में। ठीक है, तो हमने ये देखा कि लेआउट किस चीज़ को कहते हैं। ठीक है, एक लेआउट इस तरह का भी हो सकता है। ठीक है, मुख्तलिफ तरह के लेआउट होते हैं वेबसाइट के। एक गिटहब का लेआउट है, उसमें एक तरफ पूरी पट्टी है जिसके अंदर प्रोफाइल की फ़ोटो वगैरह आई हुई है, देखते हैं गिटहब का लेआउट। एक ये पूरी पट्टी है जिसमें प्रोफाइल की चीज़ें हैं सारी। ठीक है, शायद 30-70 पर डिवाइड किया हुआ है स्क्रीन को, 30-70 पर डिवाइड किया हुआ है स्क्रीन को। 70% पर पूरा कॉन्टेंट है, 30% पर प्रोफाइल की चीज़ें हैं। जब मैं किसी रिपोजिटरी के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे लेआउट डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे 30-70 पर डिवाइड नहीं किया हुआ, यहाँ पे भी किया हुआ है बल्कि, बट उस तरफ किया हुआ है। 30% पे ये अबाउट वगैरह चीज़ें आई हुई हैं और 70 पे ये आया, थोड़ा शिफ्ट हुआ है। तो एक ही वेबसाइट के मुख्तलिफ पेजेस में लेआउट मुख्तलिफ भी होता है, बल्कि मुख्तलिफ ही होता है ज़्यादातर। तो हमने ये लेआउट देख लिया कि भाई लेआउट क्या चीज़ होती है। अभी फ्लैक्स बॉक्स हमने अभी तक नहीं देखा। ये एक वेबसाइट है जिसके मुख्तलिफ पेजेस का लेआउट बनाकर दिखाया गया है कि अच्छा यार, जब वेबसाइट खुलेगी तो कुछ इस तरह की होगी, बैनर होगा एक बड़ा सा। ठीक है, उसके बाद कोई दूसरा पेज है जिसमें एक वीडियो लगी हुई है, शायद ये YouTube जैसा लग रहा है कुछ देखने में ये वाला। ठीक है, एक तीसरा पेज है इसके अंदर, एक चौथा पेज है, पाँचवा छठा पेज है, सही है, छठा पेज शायद गैलरी का कुछ है। एक साइड पे फ़ोटोज़ हैं और बीच में एक बड़ी फ़ोटो खुली हुई है, राइट लेफ्ट का एरो आया हुआ है इसके अंदर। तो ये सारे लेआउट हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले अपना एक लेआउट सोच लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, सही है। अच्छा, उसके लिए मैं एक ड्राइंग ऐप खोल लेता हूँ, कोई भी ड्राइंग ऐप खोल सकते हैं। तो हम एक वायर फ्रेम अपना बना लेते हैं खुद का, और फिर उसको हम फ्लैक्स बॉक्स के ज़रिए बनाकर देखेंगे कि वो बनता कैसे। उसमें फ्लैक्स बॉक्स भी सीख जाएंगे हम लगे हाथों। अच्छा, ये मेरे पास एक अदद कंप्यूटर की स्क्रीन है, इमेजिन कर लें। अब इसके ऊपर आप सब लोगों ने सीवी बनाई है, ठीक है, तो हम सीवी का लेआउट बना लेते हैं। अच्छा, सीवी का एक लेआउट टिपिकल क्या हो सकता है कि एक यहाँ पे प्रोफाइल फ़ोटो लगी हुई हो ऐसे ही हो, सही है, और उसके आगे क्या लगा हो, एक अदद नाम लिखा हो बंदे का, ठीक है, और उसके नीचे क्या लगा हुआ, उसका टाइटल लगा हुआ, और उसके नीचे उसका सब टाइटल लगा हुआ। ठीक है, एक टिपिकल सीवी का यही होता है। थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या हो, सेक्शन नंबर वन हो, एक सेक्शन हो, ठीक है। पहला सेक्शन है कि भाई क्या, बायोडाटा मिसाल के तौर पर। ये बायोडाटा भी बीच से डिवाइडेड हो जी, स्टक हो गया ये, नहीं यही है, अरे ये क्या सीन है यार, नहीं इसमें कोई कलर का शायद इशू है। मैं एक काम करता हूँ ना, इसको पूरे को मैं ब्लैक कर देता हूँ, कलर का वो ग्रे हुआ है ना, जो शायद ये ग्रे दिखा नहीं पा रहा ये प्रोजेक्टर, है ना, ग्रे नहीं दिखा पा रहा। अच्छा, इसका मैं वो भी बढ़ा देता हूँ थोड़ा साइज़, मैं कहता हूँ यार 5 पिक्सल कर दो, है ना, ये प्रोजेक्टर के पिक्सल शायद इस काबिल नहीं है कि वो ग्रे कलर और 1 पिक्सल की लाइन को दिखा सकें, तो
मैंने थोड़ा मोटा कर दिया। अच्छा तो ये मेरा एक ना सीवी का एक टिपिकल मैंने बना लिया लेआउट। अच्छा ये जो मेरा सेक्शन नंबर वन है इसके अंदर मैं क्या चाहता हूँ, इसके अंदर मैं ये चाहता हूँ कि दरमियान में ऐसे एक लकीर हो। यार ये फिर वन पिक्सल हो गया, क्या सीन है? मैं चाहता हूँ दरमियान में ऐसे एक लकीर हो यहाँ पे, और इस तरफ आपकी कीज़ लिखी हुई हो और इस तरफ उसकी वैल्यूज लिखी हुई हो। बायो डेटा है काइंड ऑफ ये। ठीक है जी, बॉर्डर ब्लैक और 5%। तो ये हमने एक वायर फ्रेम बना लिया कि यार इस तरह का कुछ हम बनाना चाहते हैं। अब ये बनेगा कैसे, इसको थोड़ी देर के लिए अब हम छोड़ देते हैं। अब हम वापस आ जाते हैं कहाँ पर, अपने फ्लैक्स बॉक्स की तरफ, कि फ्लैक्स बॉक्स का कोई डॉक्यूमेंट तलाश करते हैं जहाँ से फ्लैक्स बॉक्स हम सीख जाएँ। ठीक है, तो गूगल पर जैसे ही मैंने लिखा फ्लैक्स बॉक्स, एंटर किया, तो CSS ट्रिक्स की ये वेबसाइट मेरे पास आ गई। इसको मैंने ओपन कर लिया। ये सबसे बेस्ट वेबसाइट है इस वक्त, एक आर्टिकल है छोटा सा एक्चुअली है। तो ये फ्लैक्स बॉक्स आपको अच्छे से समझा देता है कि फ्लैक्स बॉक्स क्या चीज़ है और ये क्या काम करती है। अच्छा तो सबसे पहले ना इसकी थ्योरी समझते हैं, इसका बैकग्राउंड समझते हैं कि ये है क्या चीज़, व्हाट इज़ फ्लैक्स बॉक्स अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्यूमेंट। ठीक है, अच्छा तो इन्होंने कहा कि फ्लैक्स बॉक्स इज लेआउट मॉड्यूल एज अक्टूबर 2017 ये इसमें शामिल हुआ है CSS में 2017। एम्स एट प्रोवाइडिंग मोर एफिशिएंट वे टू लेआउट। लेआउट आप सब लोग समझ चुके हैं, तो मोर एफिशिएंट वे पहले भी बनते थे लेआउट, लेकिन ये थोड़ा बेहतर तरीका आपको प्रोवाइड करता है लेआउट बनाने का। अच्छा ना सिर्फ लेआउट बनाने का बल्कि अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट स्पेस अमंग आइटम इन अ कंटेनर। एक कंटेनर है, सही है, उसके अंदर जो आइटम्स हैं, मिसाल के तौर पे हमारे केस में ये कंटेनर है, इसके अंदर एक दो और तीन आइटम है ना हमारे पास। तो ये क्या हमें अलाउ करता है कि हम क्या कर दें, अलाइन कर दें कंटेनर के अंदर जो भी चीज़ है उसको अलाइन कर पाएँ और डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ स्पेस को, जो भी अवेलेबल स्पेस है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ कंटेनर में आसानी के साथ। ये तीन आइटम है, तीनों को इक्वल देना है या क्या करना है, इवन व्हेन देयर साइजेस इज अननोन। मिसाल के तौर पे अभी तो हमारे कंटेनर का जो साइज़ है वो हमें पता है, तो कंटेनर का साइज अननोन कब होगा, जब स्क्रीन चेंज हो जाएगी। अभी मेरे पास 1000 पिक्सल की स्क्रीन है, वो टैबलेट पे खुलेगा तो जाहिर है उसमें 1000 पिक्सल नहीं होगा, उसमें 700 पिक्सल होंगे मोस्ट प्रॉब्ली। टैबलेट भी 10,000 तरह की स्क्रीन का साइज़ है, हमें ये भी नहीं पता कि 700 ही होंगे या क्या होगा। फिर मोबाइल पे जो है वो 500 पिक्सल है या 400 पिक्सल होगा। तो कंटेनर का जो साइज़ है हमें पता नहीं होगा कि स्क्रीन पे अवेलेबल स्पेस कितनी है, उसके बावजूद भी हम क्या कर पाएंगे, स्पेस जो भी होगा अवेलेबल उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हो जाएगा वहाँ पर। द मेन आइडिया behind the flex box layout is to give the container the ability to alter its item. अब ये काम कैसे करता है, ये strategy क्या use करता है, भाई जाहिर है इतना बड़ा हमें जब अचीव करके दे रहा है कि इस कंटेनर का साइज ही नहीं पता, फिर भी इसको डिवाइड कर पा रहे हैं हम इक्वली, फिर भी हम उसको अलाइन कर पा रहे हैं, तो ये काम करता क्या है, ये स्ट्रैटेजी पीछे करता क्या है ऐसी जिससे ये कर पाता है। ये कहता है कि यार ये एबिलिटी दे देता है किसी भी कंटेनर को कि वो अपने डायरेक्ट चिल्ड्रन जो हैं उसको मॉडिफाई कर सके। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं बोलता हूँ कि इस कंटेनर को फ्लेक्सिबल बॉक्स बना दो, ठीक है, अभी तो ये फ्लेक्सिबल नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट, इसको फ्लेक्सिबल बॉक्स मैं बोलूँगा कि बना दो, तो उसके बाद इस बॉक्स के पास क्या अथॉरिटी आ जाएगी कि ये अपने डायरेक्ट चिल्ड्रन जो हैं 1, 2 और 3
इनको मॉडिफाई कर सके, इनको अल्टर कर सके. क्या अल्टर कर सके ये भी बताया हुआ इन्होंने, विड्थ हाइट एंड ऑर्डर, उसकी चौड़ाई और लंबाई जो भी है ना उसको चेंज कर सकता है वो कंटेनर अपने बच्चों के. और ऑर्डर उसका, ऑर्डर का मतलब है जो पहले डे में वो पहले शो होती है, जो बाद में वो उसको रिवर्स भी कर सकता है कि जो सबसे लास्ट में वो पहले आ जाए. ठीक है, उसके पास अथॉरिटी आ जाती है ये. लेकिन जाहिर है वो हमारे बोलने पे करेगा, उससे पहले नहीं करेगा. अच्छा, टू बेस्ट फिल अवेलेबल स्पेस. अच्छा, ये है विर्थ हाइट क्यों कम ज़्यादा कर रहा है और क्यों चेंज कर रहा है, जो अवेलेबल स्पेस है उसको फिल करने के लिए ये काम करेगा वो. अच्छा, अ फ्लेक्स कंटेनर एक्सपेंड आइटम टू फिल अवेलेबल फ्री स्पेस और श्रिंक देम टू प्रिवेंट ओवरफ्लो. ना सिर्फ ये विर्थ हाइट को चेंज कर सकता है बल्कि आपके आइटम को, जाहिर है विर्थ बढ़ाएगा तो आपका आइटम क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा ना, जितना पहले था उससे बड़ा दिखेगा, तो ये वो भी कर सकता है. और श्रिंक, जाहिर है विर्थ हाइट को जब कम करेगा ये तो श्रिंक होगा आपका आइटम, छोटा होगा. तो ये दोनों काम कर सकता है आपके अवेलेबल स्पेस को अच्छी तरह से फिल करने के लिए. अच्छा, तो ये है स्ट्रेटजी. अगर ये लाइन आपको समझ में आ गई है ना तो आपको फ्लैक्स बॉक्स आसानी से समझ आएगा. के नंबर एक बात इसमें क्या डिसाइड हुई, नंबर एक बात ये डिसाइड हुई कि जो भी फ्लेक्सिबल बॉक्स होगा या जो भी फ्लेक्सिबल कंटेनर या फ्लेक्सिबल एलिमेंट होगा, जो भी नाम ले लो इसको, उसके पास अथॉरिटी सिर्फ अपने डायरेक्ट चाइल्ड की होती है. चाइल्ड के अंदर जो चाइल्ड है उसका कोई एक्सेस नहीं है उसके पास. ठीक है, नंबर एक बात ये. नंबर दो बात ये कि अपने डायरेक्ट चाइल्ड को वो जैसे चाहे मॉडिफाई कर सकता है. विर्थ हाइट उसका ऑर्डर, विर्थ हाइट ही होता है असल में तो, सही तो, और उसको श्रिंक एक्सपेंड सब कर सकता है. और उसका मेन मकसद सिर्फ एक ही है कि अवेलेबल स्पेस को अच्छी तरह से यूटिलाइज किया जाए. ये फ्लैक्स बॉक्स की थ्योरी पूरी हो गई यहाँ. ठीक है, अच्छा अब हम आगे चलते हैं. अब यहाँ पे ना इन्होंने ये CSS बताई है. CSS हम पहले ही पढ़ चुके हैं. फ्लैक्स बॉक्स सीखना की जो बात है, फ्लैक्स बॉक्स आप उसमें दो चार एक्स्ट्रा CSS की प्रॉपर्टी सीखेंगे. मार्जिन पैडिंग सीख चुके हैं पहले. अच्छा, तो अब एक प्रॉपर्टी है दैट इट्स कॉल्ड डिस्प्ले. ये भी एक प्रॉपर्टी है. तो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, दो चार प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे हम. थ्योरी तो हमने समझ ली, दो चार प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे उसी पे ही फ्लैक्स बॉक्स है. मतलब CSS का ही पार्ट है ये, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है. असल में ये मैंने पढ़ाना नहीं था, लेकिन लास्ट क्लास जो दूसरा वाला सेक्शन है ना उसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा सवाल याद किए कि सर ये हमारी फ़ोटो ना इस तरफ नहीं हो रही, फिर ये हमसे बीच में करना है इसको नहीं हो रही. तो इसलिए मैंने बोला यार थोड़ा सा ये भी पढ़ा देता है. ठीक है, तो आपको भी पढ़ा देता हूँ. अच्छा, तो डिस्प्ले फ्लैक्स. अच्छा, इसमें वेबसाइट में उस दिन भी ये एरर आ रहा था, ये आज भी एरर आ रहा है कि ये जो फ्लैक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ है ना, एक तो वो प्रॉपर्टीज है जो लगेगी किस पे, कंटेनर पे लगेगी, और एक वो प्रॉपर्टीज है जो इसके बिल्कुल सामने आनी चाहिए थी यहाँ पे, वो पता नहीं क्यों नीचे चली गई है आजकल, लास्ट क्लास में भी ये हो रहा था. और एक प्रॉपर्टीज वो है जो लगेंगी उसके अंदर मौजूद आइटम्स के ऊपर. ये दो तरह की प्रॉपर्टीज हैं फ्लैक्स बॉक्स के अंदर. तो पहले तो हम ये वाला देखते हैं भाई, जो कंटेनर पे लगने वाली प्रॉपर्टीज हैं. सबसे पहली प्रॉपर्टी है डिस्प्ले फ्लैक्स. ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है डिस्प्ले फ्लैक्स. अच्छा, इससे क्या होता है, कोई भी बॉक्स फ्लेक्सिबल बन जाता है. उसके बाद है फ्लैक्स डायरेक्शन. जब हम किसी भी बॉक्स को फ्लेक्सिबल बना देते हैं तो जाहिर है उसका ऑर्डर वो चेंज कर सकता है ना, तो मैं उसको क्या बोल सकता हूँ कि डायरेक्शन ऐसे जाए या ऐसे जाए. अच्छा, मुझे ये सोच के बताओ कि जब तक फ्लेक्सिबल नहीं होता बॉक्स, डायरेक्शन कौन सी होती है. एक एलिमेंट लगाया, उसके बाद दूसरा लगाओगे तो वो उसके नीचे जाता है या साइड में आता है. तो बाई डिफ़ॉल्ट ये वाला है ना, कहाँ गया, ये टॉप टू बॉटम है. लेकिन हमेशा टॉप टू बॉटम नहीं है, जो इन लाइन एलिमेंट्स हैं उसमें होता है ये वाला, लेफ्ट टू राइट जाता है. अगर आपने किसी भी बॉक्स को फ्लेक्सिबल बना दिया तो उसके अंदर बाई डिफ़ॉल्ट एक ही डायरेक्शन होगा, चाहे कोई सा भी एलिमेंट लगाया हो, एंड दैट इज रो. रो कौन सा वाला है, फर्स्ट वाला, बिल्कुल लेफ्ट टू राइट. ठीक है, डिफ़ॉल्ट यही वाला है इसके अंदर. इसको चेंज कर सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है तो नहीं भी करेंगे, कोई मसला नहीं है. तो किसी भी बॉक्स को अगर मैंने फ्लेक्सिबल बना दिया तो बाई डिफ़ॉल्ट उसकी चीज़ों का जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो लेफ़्ट टू राइट हो जाएगा, रो हो जाएगा. उसको मैं चेंज करना चाहूँ तो चेंज भी कर सकता हूँ. रो रिवर्स करूँगा ना तो राइट टू लेफ्ट होना शुरू हो जाएगा, जो सबसे पहला आइटम है वो राइट में दिखेगा. ऑर्डर भी उसका चेंज कर सकता है वो, ये हमने देख लिया था पहले ही.
उसके अलावा फ्लैक्स रैप, फ्लैक्स रैप क्या करता है कि जब आपके पास जगह ख़त्म हो जाती है ना उस कंटेनर के अंदर, तो वो लाइन बुड़क करके उसके नीचे वाली लाइन में आना शुरू हो जाता है, ठीक है, फिर जगह ख़त्म होगी फिर नीचे वाली लाइन में आ जाएगा। ये फ्लैक्स रैप का काम है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी भी किस पे लगेगी? कंटेनर पे लगेगी, ठीक है, कंटेनर वाली प्रॉपर्टी सारी ये इस रो में हम देख रहे हैं। अच्छा, बाई डिफ़ॉल्ट ये क्या है? नो रैप। बाई डिफ़ॉल्ट नो रैप मतलब आप एक लाइन में लगाते जाएंगे ना तो कंटेनर से बाहर निकल के और वो एक किलोमीटर आगे तक चला जाएगा, ठीक है, लेकिन रैप वो खुद से नहीं करेगा क्योंकि डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है नो रैप। इसको मैं चेंज कर सकता हूँ अगर मुझे ज़रूरत है, इसको चेंज कर सकता हूँ। जैसे फ़ोटो की गैलरी जब बनाते हैं तो उसमें क्या चाहिए हमें? बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं तो हम चाहते हैं एक रो में जितनी आ सकती है आ जाए। मोबाइल की स्क्रीन तो शायद दो आएगी उसमें एक रो में, अगर कंप्यूटर की तो शायद छः सात भी आ जाए। तो हम उसको बोलेंगे भाई रैप करो और लगा दो सारा लाइन्स, जितनी आ सकती है एक लाइन में उतनी भर दो। कितना आसान हो गया। अच्छा, उसके बाद है फ्लैक्स फ्लो। फ्लैक्स फ्लो जो है वो शॉर्ट हैंड है किसके लिए? डायरेक्शन और रैप, ये दोनों मिक्स करके आप इसके अंदर लिख सकते हैं अगर आप शॉर्ट हैंड लगाना चाहते हैं, ठीक है, कि भाई कॉलम और रैप ऐसे करके आप लगा सकते हैं। उसके बाद है जस्टिफाई कॉन्टेंट। ये प्रॉपर्टी भी किस पे लगेगी? कंटेनर पे लगेगी। और ये कंटेनर पे जब लगेगी तो मैं अगर बोलता हूँ कि फ्लैक्स स्टार्ट, ये वाली बात कहता हूँ, तो कंटेनर में जितने भी आइटम्स हैं, जितने भी उसके चाइल्ड हैं, जाहिर है कंटेनर को अथॉरिटी है ना कि अपने चाइल्ड को चेंज करें। मैंने बोला क्या हो जाओ? फ्लैक्स स्टार्ट हो जाओ, तो सारे आइटम कहाँ पे आ जाएंगे? लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे। मैं बोलूँगा फ्लैक्स एंड, सारे आइटम राइट पे चले जाएंगे। मैं बोलूँगा सेंटर, सारे बीच में आ जाएंगे। मैं बोलूँगा स्पेस अराउंड, तो सबके दरमियान स्पेस डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, लास्ट में 50%, बीच में 100% होगा। दो मिनट में भेजता हूँ। स्पेस इवनली, तो ये सारे ऑप्शन मौजूद हैं आपके पास, इनमें से कोई भी आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो एक कंटेनर में किसी चीज़ को सेंटर करना इज़ नॉट अ बिग डील, नॉट एनी मोर, बहुत आसान हो गया। इससे पहले फ्लोट फ्लोट लगाना पड़ता था, मार्जिन ऑटो, वो एक पे लगाते थे एलिमेंट, वो दूसरे से छेड़छाड़ करता था, यानी एक पे आपने फ्लोट लगा दिया उसके बाद जो एलिमेंट है वो भी कुछ उसकी वजह से गड़बड़ हो जाती थी, तो उसको क्लियर भी करना पड़ता था, ठीक है, कोड बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता था, इसमें कोड बहुत कम लिखना पड़ता है। काम सारा वही हो रहा है पीछे, एग्जैक्टली वो CSS का काम सब वही हो रहा है पीछे, मार्जिन ऑटो शॉर्ट भी पीछे लग रहा है बैकग्राउंड में, लेकिन हमारा टेंशन हमारी कम हो गई, हमें क्या हो गया, लिबर्टी मिल गई थोड़ी सी कि हमारे पास कोड थोड़ा सा लिखना होता है। और जाहिर है हम वो मार्जिन ऑटो लगाते हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, वो समझ में नहीं आती, फिर हम ढूंढते रहते हैं, फिर तंग हो जाता है। इसमें हमें छोटा सा क्या करना है, सिर्फ हमें आके ऐसे बोलना है फ्लैक्स कंटेनर पे जो फ्लैक्स लगाया हुआ है ना डिस्प्ले फ्लैक्स, उसी कंटेनर पे जस्टिफाई कॉन्टेंट और मैंने कहा कि सेंटर, सब बीच में आगे खड़े। अच्छा, एक दो हम प्रॉपर्टीज़ की और देख लेते हैं। अलाइन आइटम, मिसाल के तौर पे इमेज आपने यूज हो, अभी गैलरी की बात की मैंने, अब इमेज की हाइट अगर कम ज़्यादा है तो वो बुरी लगती है ना देखने में, मैं चाहता हूँ यार वो एक लाइन में आ जाए, तो उसको अलाइन करने के ये तरीके मौजूद हैं। अलाइन आइटम, ये भी किस पे लग रहा है? कंटेनर पे। इस तरफ जितना है सब कंटेनर पे, इस तरफ जो है ना ये वाला, ये आइटम पे लगने वाली चीज़ है, ठीक है। अलाइन कंटेंट, अलाइन कंटेंट क्या करता है? वर्टिकली पूरे बॉक्स को आपके अलाइन कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, ये फ्लैक्स ग्रो है कि किसी भी आइटम को आप ग्रो करवा सकते हैं, बड़ा या छोटा करवा सकते हैं, ठीक है। वैसे इसकी इतने नीचे तक की ज़रूरत नहीं पड़ती, शुरू के जो आपके अलाइन आइटम और आपका ये जस्टिफाई कॉन्टेंट, ये दो में ही सारा गेम हो रहा होता है ज़्यादातर केसेस में, ठीक है। अच्छा, अभी सब लोग आप नमाज़ पढ़ने चले जाएँ, नमाज़ पढ़ के जब वापस आएंगे आप, तो ये सारी थ्योरी जो हमने पढ़ी है, इस थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए हमने जो वायर फ्रेम तैयार किया है उसको प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे, उस वायर फ्रेम से एक लेआउट, एक वेबसाइट बनाने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है जी।